हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो ये तुम लोग का पहला क्लास है, क्लास टेंथ का। तो आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बुक में एक पिक्चर दिखाया गया है जिसको कि ड्रॉ किया था फ्रेडरिक सोरियो ने इन 1848 में। तो 1848 में फ्रेडरिक सोरियो, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उन्होंने ऐसे पेंटिंग्स के चार सीरीज बन पाए थे और ये उनका फर्स्ट सीरीज है। तो इस फर्स्ट सीरीज़ का नाम उन्होंने रखे थे द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो ये उनका ड्रीम है कि वो वर्ल्ड को कैसे दिखाना चाहते हैं। तो जो वर्ल्ड है वो उनके हिसाब से डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक होने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे जो लोग चल रहे हैं, फिर मार्च कर रहे हैं, वो अमेरिका और यूरोप के दिखाए गए हैं, जिसमें कि वो हर उम्र के लोगों को दिखाए हैं, बोथ मेन एंड वुमेन एंड डिफरेंट सोशल क्लासेस, मतलब रिच एंड पुअर। सभी लोग यहाँ पे एक साथ मार्च कर रहे हैं और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे एक स्टैचू दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो जब वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रहे हैं तो उनको झुक के अपना सम्मान दिखा रहे हैं और फिर आगे बढ़ जा रहे हैं। तो तुम लोग क्लास नाइन्थ में फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में जब पढ़े हो तो उसमें ऐसे बहुत सारे आइकन और सिंबल के बारे में दिखाया गया था, जिसमें कि लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के हिसाब से उसको सिंबलाइज किया गया है। तो यहाँ पे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उन्होंने अपने एक हाथ पे द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में द राइट ऑफ द चैप्टर ऑफ द राइट, जो लोगों का अधिकार है, उसको पकड़ा हुआ है। सो ऑन द आर्ट इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाइज द स्कैटर्ड रिमेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। और यहाँ जमीन पे देख सकते हो बहुत सारे पेपर का टुकड़ा गिरा हुआ है, जिसको कि जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन था या फिर जो मोनार्की रूल वहाँ पर चल रहा था, तो उनको यहाँ पे फाड़ के फेंका हुआ है, उसको स्कैटर करके इधर उधर फेंका गया है। तो इस इमेजिनेशन से ये सोचा जा सकता है कि जो फ्रेडरिक सोरियो है वो मोनार्की रूल से कैसे वर्ल्ड को एक आइडियल वर्ल्ड की तरफ लिया जाए, उसके बारे में यहाँ पे दिखाए हैं। इन सोरियोस यूटोपियन विजन्स द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एंड डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। तो यहाँ पे जो बहुत सारे लोग दिखाए दे रहे हैं उनको अपने कॉस्ट्यूम या फिर उनके नेशन के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या फिर उन्होंने जो फ्लैग पकड़े हैं उसी फ्लैग के हिसाब से उनको पहचाना जा सकता है कि वो कौन से ग्रुप से या फिर कौन से नेशन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड्स लिखा गया है बोल्ड लेटर में, एक है एब्सोल्यूट और दूसरे है यूटोपियन। तो देखो, एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रेस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज। तो एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें कि कोई रोक नहीं होता है, मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, उनके पावर को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं होता, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रूलर। यहाँ पे फिर लिखा गया यूटोपियन। तो यूटोपियन का मतलब होता है ए विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। तो एक आदर्श दुनिया का कल्पना करना या फिर एक ऐसा चीज़ के बारे में सोचना जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको बोलते हैं यूटोपियन, मतलब जिसको हम लोग इमेजिनरी या फिर काल्पनिक बोल सकते हैं। तो इस पिक्चर में जो सबसे पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करके आगे बढ़े हैं वो है, एक है स्विट्जरलैंड और उसके बाद है आगे है यूनाइटेड स्टेट और उसके बाद है स्विट्जरलैंड। तो ये यहाँ पे अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोनों ही ऐसे कंट्री थे जो कि उस समय तक एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो चुके थे, मतलब उनको एक आइडेंटिटी मिला था कि यूएसए और स्विट्जरलैंड एक कम्प्लीटली नेशन स्टेट है बोल के। देन उसके बाद जो पीछे जो कंट्री आ रहे हैं वो है फ्रांस, जिनको कि उनके ट्राइकलर फ्लैग से पहचाना जा सकता है, जो कि अभी अभी उस स्टैचू के पास पहुंचे हैं। उसके पीछे है जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। तो जो ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग पकड़े हुए हैं वो है जर्मनी। देन तो उस साइड उस समय तक जब फ्रेडरिक सोरियो ये पिक्चर बना रहे थे तो उनको जो जर्मन लोग है या फिर जो इटली के लोग थे वो कम्प्लीटली यूनाइटेड नेशन में कन्वर्ट नहीं हुए थे, मतलब उनको एक कंट्री के हिसाब से या फिर एक नेशन स्टेट के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला था। तो यहाँ पे फ्रेडरिक सोरियो ने उनके जो नेशनल फ्लैग है उसको एक जो रिवोल्यूशनरी फ्लैग, मतलब उस समय वो जो रिवोल्यूशन कर रहे थे अपने कंट्री को एक करने के लिए या फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री का पहचान दिलाने के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, तो उसके लिए वो जो फ्लैग का यूज़ किए थे उसी फ्लैग को ही फ्रेडरिक सोरियो यहाँ पे शो किए हैं।
तो जर्मनी के बाद और भी बहुत सारे कंट्री उनके पीछे पीछे मार्च में हिस्सा लिए हैं। तो जैसे कि बहुत सारे कंट्री हैं, ऑस्ट्रिया, देन द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। तो ये सभी कंट्री स्टेचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करके आगे आगे बढ़े जा रहे हैं। और उनको हेवन से, जो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कैसे हेवन से जो गॉड हैं, जीसु क्रिस्ट हैं और बहुत सारे एंजल्स हैं जो कि उनको ब्लेस्ड कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। सो दे हैव बीन यूज बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बोलाइज फेटर्निटी एमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो कि फ्रेडरिक सोरी ने एक आदर्श वर्ल्ड का कल्पना करके अपना प्रिंट में या फिर अपनी पेंटिंग में उसको दिखाया था। तो इस चैप्टर में हम लोग फ्रेडरिक सोरी के ऐसे और भी बहुत सारे इशू के बारे में पढ़ेंगे, जो यूरोप है वो कैसे बहुत सारे कंट्री वहाँ पे रिवॉल्यूशन किए थे अपने अपने कंट्री को एक करने के लिए, या फिर उस समय जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंज में कैसे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला था, कैसे जो लोग थे उनके दिमाग में पॉलिटिकली अपने कंट्री को चेंज करने का जो एक फीलिंग्स क्रिएट हुआ था उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो नेशनल फीलिंग लोगों के दिमाग में क्रिएट हुआ था उसका जो एंड रिजल्ट निकला था वो था एक नेशन स्टेट।